हम अभी हैं टेंट सिटी में. टेंट सिटी यहाँ का सबसे बड़ा अकोमोडेशन का प्लेस है रन पूरे रन उत्सव में. यहाँ के रूम रेट स्टार्ट होते हैं 5,500 पर नाइट से. दो सिंगल नाइट पैकेजेस हैं, डबल नाइट पैकेजेस हैं, जहाँ पे आपको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से पिक किया जाएगा या रन उत्सव में लिया जाएगा, और फिर टेंट के हिसाब से या भूमि के हिसाब से आपको अकोमोडेशन भी मिल सकता है. यहाँ पे आपकी शॉपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी जगहें हैं. हाँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरे रन उत्सव के बिल्कुल बाजू में ही है, तो आपके लिए इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है कि रन उत्सव में रन डेजर्ट से जाके आप, क्योंकि ये लोग जो अकोमोडेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपका खाना और अकोमोडेशन टू ट्रांसपोर्ट टू रन डेजर्ट कल्चरल एक्टिविटीज़ ये सारे इंक्लूडेड. तो ये सारा अगर आप इंक्लूडेड लो तो ये अच्छा एक डील है जो आप यूज़ कर सकते हो. और वैसे भी ये एक्सपीरियंस जब आप लेने आ रहे हो तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से देखो. ये एक गवर्नमेंट सेटअप है जहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग मेडिकल शॉप्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, शॉपिंग. और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है इस पूरी जगह को विथ द कल्चर ऑफ गुजरात. इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. आपको ये आपको बहुत मिनिमल मार्जिन में करीब करीब 200 से 300 रुपए के अंदर बाइक हायर पे मिल जाएगी, जहाँ पे ये पूरा आप लंबा एरिया घूम सकते हो. यहाँ पे ATV राइड के लिए बना हुआ है, देख सकते हो आप, विच इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर अराउंड 500 to 1000 bucks. इसके साथ साथ अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहें तो उसके लिए भी अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, विच इज़ कॉल्ड स्काई ज़िला. तो स्काई ज़िला से आप पैराग्लाइडिंग इत्यादि जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हो. तो आप ये पूरा जो सेंटर है घूम सकते हो आप फॉर द होल इवनिंग. अराउंड 11 बजे तक सारे कल्चरल एक्टिविटीज सेंटर्स चलते हैं. तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट के लिए भी गोल्फ कार्ट्स और छोटे ऑटोज जो हैं वो प्रोवाइड किया जाता है. अगर आपकी टेंट या ढूंगी बहुत दूर है तो ये लोग ये अरेंजमेंट करा देते हैं.